हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.3, राइट? एंड हाउ टू सॉल्व इट, जस्ट सी हियर। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन एल, टेक पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। मतलब एल लाइन ड्रॉ करो, उस एल लाइन के ऊपर पॉइंट ए लेना है और ए पॉइंट से अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। इज दिस क्लियर? हाउ टू डू दिस, जस्ट चेक। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन L, take point A outside the line, through point A draw a line parallel to the line L। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से L लाइन ड्रॉ करेंगे, करेक्ट? अभी लेंथ नहीं दिया तो हम लोग कितने भी लेंथ का लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन L ड्रॉ किया, राइट? उसके बाद अभी L के लाइन L के ऊपर अपने को पॉइंट A लेना है, तो पॉइंट ए हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, जस्ट लाइन के ऊपर कहीं भी एक जगह पॉइंट ले लो, ए पॉइंट लिया, करेक्ट? अब उसके बाद अपने को क्या करना है, ए लाइन से अपने को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, करेक्ट? तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके अपने पास दो ट्रायंगल है, राइट? दो ट्रायंगल शेप का अपने पास इंस्ट्रूमेंट है, तो पहला ट्रायंगल शेप का ऐसे रखना है, राइट? उसको उसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल शेप आता है, वो इस साइड ऐसे रखना है, राइट? उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर ही होना चाहिए, और इस पॉइंट से सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये हो गया उस पॉइंट्स के थ्रू पैरेलल लाइन, ठीक है, समझ गया? नाउ वी विल सॉल्व सेकंड, दिस विल बी द पैरेलल टू द लाइन एल, टू द पॉइंट ए। इज दिस क्लियर? समझ गया? नेक्स्ट, लाइन पैरेलल एल टू लाइन एम। नाउ टेक द सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ लाइन एल, टेक पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन एल ड्रॉ करेंगे, राइट? स्केल के हेल्प से हम लोग लाइन एल ड्रॉ करेंगे, राइट? अब एल के ऊपर अपने को क्या पॉइंट लेना है, पॉइंट टी लेने का। हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टी ले लेंगे, पॉइंट टी के हेल्प से पहले हम लोग इसका ऐसे लाइन ले लेंगे, एक ऐसे रखेंगे और इस एंगल ट्रायंगल को ऐसे रखेंगे और एक सीधा लाइन खींच लेंगे, और इस लाइन को और बढ़ा भी सकते हैं, इज दिस क्लियर? दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम जो टी के पैरेलल है, इज दिस क्लियर? लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ लाइन एम, ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम। अपने को लाइन एम ड्रॉ करना है, लाइन एन ड्रॉ करना है जो एम के पैरेलल रहे, कितने डिस्टेंस पे, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो सिमिलर टू दैट क्वेश्चन ओनली, सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट? इसको नाम दे देते हैं एम। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं स्केल्स के थ्रू, राइट? यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेते हैं, करेक्ट? दो लाइन, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट?
दो लाइन ड्रॉ करेंगे विदाउट मेजरमेंट इधर और इधर, इसको भी 90 डिग्री दिखा देते हैं, इसको भी 90 डिग्री दिखा देते हैं, राइट। अब इसके बाद स्केल से इसमें 4 सेंटीमीटर लेते हैं, राउंडर से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट आर्क मापते हैं, राइट। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, इस साइड से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, और ये दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला देंगे। ये हो गया पॉइंट एम, ये एम हो गया, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एम। इज दिस क्लियर। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखना है। ये अल्फाबेट जो है नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे, तो आई होप आप लोग को तीनों क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो। तो तीनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोग को सॉल्व करना है, मैं एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, राइट। और दिस इज़ द रिवीजन फॉर यू, दिस द लॉज ऑफ इंडेक्सेस इफ एम एन आर। अभी जैसे ए पावर एम, ए डिग्री एन अगर मल्टीप्लाई होता है, दोनों क्या होता है, प्लस होता है, मतलब एम प्लस एन होगा। ए डिग्री एम डिवाइड बाई ए डिग्री एन अगर डिवाइड होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ए इंटू बी का दोनों का डिग्री एम है, तो ए पावर एम और बी पावर एम अलग होगा। ए का डिग्री जीरो होगा तो उसका आंसर क्या होता है, वन होता है। ए का पावर माइनस एम है तो इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए का पावर एम। ए पावर एम, वेट, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, ए माइनस एम लिखा रहेगा तो वन अपॉन ए एम। ए एम एन रहेगा तो ए एम एन, ये दोनों मल्टीप्लाई है। ए डिवाइड बाई बी का कॉमन पावर एम है तो ए का पावर एम डिवाइड बाई बी का पावर एम। ए अपॉन बी का पावर कॉमन पावर है एम माइनस एम, तो इसको बी अंदर वाले को चेंज कर देंगे, बी अपॉन ए कर देंगे, पावर एम हो जाएगा। तो इसके बेस पे आप इसका आंसर लिख सकते हो, 3 पावर 5 इंटू 3 पावर 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7, 3 पावर 7 आएगा। 3 पावर 7 डिवाइड बाई 3 पावर 9, तो 7 माइनस 9 -2 आएगा, 3 पावर -2 आएगा। 3 पावर 4 एंड 5, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, 3 पावर 20 आ जाएगा। यहाँ पे 5 पावर -3 तो 1/5 पावर 3 हो जाएगा। 5 पावर 0 का आंसर 1 रहेगा, 5 पावर 1 मतलब आंसर 5 रहेगा। 5 × 7 पावर 2 तो 5 पावर 2 × 7 पावर 2, 5 / 7 पावर 3 है तो 5 / 3 7 पावर 3, 5 / 7 पावर -3 है तो इसको 7 ऊपर ले लेंगे, 5 नीचे ले लेंगे, 7/5 पावर 3 हो जाएगा। इज दिस क्लियर। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। देन 2.3 का ये क्वेश्चन और ये रिवीजन एक्सरसाइज एज अ होमवर्क आपको सॉल्व करना है फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।